राधे श्याम प्रसाद अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड सहारनपुर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अवधेश कुमार अधीक्षण अभियंता सिंचाई निर्माण खंड सहारनपुर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय नौटियाल। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां इस्लामी तालीम के सबसे अजीम मरकज दारुल उलूम देवबंद में देश की 73वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैसे तो काफ़ी सालों से दारुल उलूम में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण होता आया है, लेकिन इस बार का स्वतंत्रता दिवस दारुल उलूम के लिए कुछ खास था, क्योंकि दारुल उलूम में जश्न आज़ादी समारोह का नज़ारा अपने आप में अनूठा था। इसे हम नए भारत की नई तस्वीर कह सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दारुल उलूम की नई पहल से पूरे देश में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत होगा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ ही सभी ने राष्ट्रीय गीत गाया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वह देश को प्यार मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। प्यार और मोहब्बत का मैं इशारा करना चाहता हूँ, यही पैगाम है मुल्क की बका इसी पैगाम के ऊपर, नफरत की सियासत बन रही है, उसे कंडम करते हैं। प्यार और मोहब्बत के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये जाएगा कि हर मदरसे को करना चाहिए। हम तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाओ, मदरसों को दिखलाओ, ये बताओ कि क्या सिखलाते हो। ये जो दुनिया का प्रोपेगेंडा है मदरसे के खिलाफ, इसको टूटने का, इसको तोड़ने का, आग लगाने का कोई जरिया ही नहीं है अलावा इसके कि जो हिंदू भाई हैं उनको बुलाया करो साल में एक दो मरतबा, उनको बतलाओ मदरसा है क्या, पढ़ाते क्या हो, सिखलाते क्या हो। ये करते नहीं हैं लोग, दारुलूम कर रहा है इस बात को, हम पहल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इसके बाद आम तरीके पर लोग इस पैगाम को पहुँचाएंगे। वहीं जिलाधिकारी ने 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि दारुल उलूम जैसी संस्था ने यहां पर बहुत शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसको लेकर वो खुश हैं। 15 अगस्त हम सभी का स्वाधीनता दिवस है। मैं दारुल उलूम के इस कैंपस में हजरत मौलाना साहब अरशद मदनी जी के साथ यहाँ पर आज ध्वजारोहण मैंने किया और बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि दारुल उलूम जैसी संस्था ने बहुत ही सुंदर शानदार यहाँ पर कार्यक्रम किया। यहाँ पे जो तलबा है उनका सबका इन्वॉल्वमेंट देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। देश को, सहारनपुर जनपद को, प्रदेश को, जिला प्रशासन सहारनपुर की तरफ से मैं बहुत। ऐसा माना जा रहा है कि दारुल उलूम की नई पहल से पूरे देश में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत होगा। समाचार इंडिया के लिए हमारे संवाददाता नरेश गोयल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ समाचार इंडिया पर, खबर से लेकर असर तक।